हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अभी मैं आपको लाया हूँ एक कंट्रोल वाल के पास। अभी देखिए दोस्तों, पोजिशनर के अंदर POS मतलब पोजिशनर के अंदर 2.2% दिखा रहा है, लेकिन हमारा वाल जो है फिज़िकली क्लोज है। और ये जो देख रहे हैं, ये वाल भी क्लोज है। और आपको मैं स्केल दिखाता हूँ, स्केल में भी बराबर क्लोज आ रहा है। बट हमारा पोजिशनर जो है, जो डिस्प्ले में है, वो इंडिकेट हमको 2.2% दिखा रहा था। इसी को ट्रबल शूट के लिए मैं आया हूँ। अभी इसका प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रेंज प्रेशर जो है 42 PSI है। मैं आपको गैस में भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर भी 40 PSI समथिंग प्रेशर है। और ये हमारा मालूम है आपको कि हमारा डायफ्राम हो गया। ये हैंड व्हील है। अगर कभी बाय चांस अगर फिज़िकली अगर प्रॉब्लम आ जाए वाल के अंदर, तो इस हैंड व्हील के ऑपरेशन के थ्रू जो है हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है। अगर ये बाय चांस ये हैंडल, देखिए ये हैंडल अगर आउट ऑफ न्यूट्रल होगा, तो वो कमांड DCS से जो आएगा नहीं। अगर आएगा तो वाल हमारा मोमेंट नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल है, अगर 50% कमांड दिया आपने, तो ये वाल जो है बिल्कुल 50% ऑपरेट नहीं होगा। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, हमेशा इसको चेक करना है और प्रेशर भी चेक करना है। ये देखिए, हमारा इनलेट प्रेशर है, ये हमारा FR है, एयर फिल्टर रेगुलेटर है। इसके थ्रू हम एयर को एडजस्ट करते हैं। और ये हमारा देखिए नीचे रिलीज पॉइंट है। तो ये हमारा ये हमारा इनपुट प्रेशर है, ये आउटपुट है, FR का आउटपुट। वो ये पोजिशनर के अंदर देख रहे हैं, वो इसके अंदर आया है इनपुट प्रेशर। और आउटपुट जब जैसे ही कमांड आएगा, हमारा आउटपुट प्रेशर डायफ्राम के अंदर जाएगा। तो इस हिसाब से वाल हमारा फिजिकली ओपन क्लोज होगा। तो अभी मैं आपको मैनुअल कैलिब्रेशन करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको मैनुअल कैलिब्रेशन करके बता रहा हूँ। बट मैनुअल कैलिब्रेशन करने से पहले आपको सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारा मेट्सो का पोजिशनर है। इसके अंदर दो सिग्नल आया है, एक हमारा AO, एक AI, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। तो एक हमारा कमांड के लिए है, एक फीडबैक के लिए है। तो अभी दोस्तों यहाँ 2.2% है। तो अभी हम इसको जो है मैनुअली इसको कैलिब्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है माइनस और प्लस को एक साथ हम पुश करेंगे। देखिए, अभी माइनस प्लस को पुश किया, उसके बाद हम फिर जो है इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए ऑटो आया, फिर हम इसको मैनुअल किए, मैनुअल करने के बाद फिर इंटर किए। इंटर करने के बाद फिर हम जो है फिर प्लस दबाएंगे। अभी PAR है, PAR मिसरा तारा पैरामीटर। तो पैरामीटर आपको हम चेक करके बताएंगे। तो पैरामीटर चेक करने के लिए हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो है परफॉर्मेंस C है इसमें, कि वाल हमारा C परफॉर्मेंस C ABC का मतलब होता है कि वाल आपका किस तरह ओपन होना चाहिए, मोमेंट स्लो ऑपरेट होना चाहिए, क्विकली ओपन होना चाहिए। तो इस हिसाब से स्टेबल रखना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम परफॉर्मेंस सेट करते हैं। तो अगर सेट करना हो तो ये फिर इंटर को हम प्रेस करेंगे। और इंटर को प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर B आया है। तो अभी हमने फिर इंटर अभी करके हम इसको C पर डाल देते हैं। फिर हम प्लस दबाएंगे। अभी हम जो है इंटर करेंगे। इंटर हो गया, फिर हम प्लस दबाएंगे। तो यहाँ पर CUTL कट ऑफ जो है 1.5 डाला हुआ है। बट कट ऑफ पॉइंट इसलिए इसका टाइट शट ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यहाँ कट ऑफ पॉइंट जो है 1.5 डाला हुआ है। तो अगर इसको हम चाहेंगे कि अभी कमांड अगर 2% पे दिया जाए या 1% कमांड देगा, तो वाला हमारा ऑपरेट नहीं होगा। तो इसके लिए जो है कट ऑफ सेट अब ज़ीरो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी 1.5 है, तो 1.5 यानी 2% कमांड दिया जाएगा DCS से, तो वाला हमारा ऑपरेट होगा। तो ये हमारा सेट करने का सेम तरीका है कि इंटर को प्रेस करना है, फिर उसको सेट करना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन है, ओपन है, तो ये फेल ओपन क्लोज है, बट इसका ओपन होगा डायरेक्शन है।
और ये आपका रूट है, तो इस रूट मतलब ये NCG करके है, ये आपका सिंगल एक्टिंग है, AYT सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है, तो आप यहाँ पर से फिर इंटर करके सेट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा परफॉर्मेंस इसका क्लोज है, तो ये सिलेक्शन क्लोज है, इसके लिए यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों इस तरह के ये रूट है और ये हमारा AO0 है, तो आपने ये समझ गया होगा। फिर हम देखिए बैक जाते हैं, बैक करने के लिए हम देखिए C को प्रेस किए, फिर हम जो है प्रेस करेंगे प्लस को। अभी फिर हम मूड, अभी मूड तो हमने चेंज किया है, तो दोस्तों अभी इंटर करके इंटर कर दिया, अभी हम इंटर करेंगे तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर कॉल आया, अभी हम इंटर करेंगे, मैनुअल कॉल है, फिर हम इंटर करेंगे। अभी देखिए हमारा कैलिब्रेशन मैनुअली फिजिकली हो रहा है, वाल देख रहे हैं, ये वाल अभी कॉल मोड में है, इसका कैलिब्रेशन हम मैनुअल करेंगे। दोस्तों अभी ये फेल क्लोज है, इसलिए क्लोज एक्शन में अभी जाएगा कंटिन्यू। अभी हम जो है इंटर करने के बाद जो है इसको चेंज करके फिर हम प्लस कंटिन्यू दबाएंगे, तो फिर बाल हमारा मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए फिजिकली बाल हमारा ओपन हो गया है इधर, उसके बाद हम इंटर कर देंगे, ये हमारा मैनुअल कैलिब्रेशन हो रहा है, 20% हो रहा है कैलिब्रेशन इसका। देखिए दोस्तों ये हमारा अभी 60% कैलिब्रेशन हुआ है, अभी इसका अभी 100% जाएगा ये। देखिए अभी 75% हमारा कैलिब्रेशन हुआ है, पोजिशनल कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। तो अभी आपने देखा कि हमारा सक्सेसफुल हो गया कैलिब्रेशन। अभी देखिए पोजिशन पहले 2.2% था, अभी हमारा वॉल पोजिशन 0.0%, ये हमारा 2% का एरर था, उसको हमने अभी ऑटो मैनुअल कैलिब्रेशन करके उसको अभी रिजॉल्व किया। अभी एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी लिंक का प्रॉब्लम हो सकता है, ये लिंक है, कभी कभी लूज होने की वजह से आपको फीडबैक गलत आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो की जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ये बंद करके गया था वो, उसको ओपन कर दें हम, ठीक है दोस्तों धन्यवाद। पूछ लीजिए तो अभी हम कवर को ओपन कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इसको हमारा अभी काम कंप्लीट हो गया है।